तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से बिहेव कर सकता है और किन लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और कहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट रेंज रहने वाली है जहाँ पे हम बाइंग इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, जैसे कि कल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस जोन में ये ट्रेड कर रहा है, तो उसी रेजिस्टेंस में जोन में ट्रेड करते हुए काफी यहाँ पे लिमिटेड रेंज फॉर्म करते हुए क्लोजिंग इसने दी है। तो आज का हाई और लो का डिफरेंस यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कितने पॉइंट की रेंज में ये आज पूरा दिन 232 पॉइंट की रेंज में कंप्लीटली यहाँ पे फंसा रहा। काफी छोटी कैंडल यहाँ पे फॉर्म की और कोई यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो पूरा दिन मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई थी। वीडियो भी मैंने पोस्ट कर दी है, लास्ट की 3 PM कैंडल पे एक छोटा सा मैंने छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड किया था, जस्ट वहां पे देखने के लिए। पता था मेरे को मोमेंटम तो आने वाला नहीं है, तो जस्ट एक ट्रेड लेने के पर्पस से किया था और कोई खास वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस की तो बात छोड़ ही दीजिए, जस्ट एक ट्रेड वहां पे मैंने किया था ये बोल लीजिए, क्योंकि मार्केट अभी सुटेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए। तो एट प्रेजेंट फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि कल कौन से लेवल इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी के यहाँ पे क्लोजिंग आप देख सकते हैं 43,641 और आज का लो यहाँ पे इसने बनाया है 541 का, इसे यहाँ पे लो बनाया है। तो 641 क्लोजिंग है और 541 क्लोजिंग है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करिएगा कि 622 के नीचे, 622 के नीचे अगर ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की तो वहाँ पे ये थोड़ा क्लोज रह सकता है। 643,622 के नीचे की ओपनिंग थोड़ा इसमें वीकनेस यहाँ पे ला सकती है और देन फिर यहाँ पे 622 के बाद हो सकता है अपने लो तक ये यहाँ पे अप्रोच करे, दैट इज 541, और 541 को यहाँ पे ब्रेक करता है तो देन इट में अप्रोच अप टू 43,444 लेवल, यहाँ तक डाउनफॉल ये दिखा सकता है और वो डाउनफॉल भी फास्ट इसमें नहीं आने वाली है। जस्ट मैंने बता दिया है इंपोर्टेंट लेवल है 43,622। तो 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे देख लीजिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर ओपनिंग इस रेंज में यहाँ पे होती है 43,690 एंड ऑन द लोअर साइड अगर यहाँ पे देखे 43,560, 560 से लेके यहाँ पे ये 690, 560 से 690 ये लेवल आप नोट कर लीजिए। 560 टू 690 के बीच में अगर ओपनिंग यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे दोनों ही साइड में एक यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब की जा सकती है, पर ये ध्यान रखिएगा छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे और छोटी सी मूवमेंट को ग्रैब करने के लिए ही यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, कोई खास बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं होने वाली। उसका रीज़न ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर से बता देता हूँ, बैंक निफ्टी यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है। एक तो ये फ्लैग पैटर्न जो मैंने बना के दिखाया था, फिर से आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है, ये देखिए फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ग्रीन कलर की रेंज है। तो ये दोनों ही जो ये रेंज बनी हुई है अपर एंड लोअर साइड पे एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट यहाँ पे एक्ट कर सकती है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे काफी छोटी मोमेंटम देखने को मिलेगी, देखिए ये वाली रेंज है ऑन द हायर साइड एंड ऑन द लोअर साइड यहाँ पे आप ये वाली रेंज देख सकते हैं फ्लैग पैटर्न की। तो यहाँ पे इस रेंज में ओपन होने के बाद 43,690 एंड ऑन द लोअर साइड 43,560, जिस भी साइड में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो 50-60 पॉइंट के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। और सपोज करिए गैप अप ओपनिंग यहाँ पे मिलती है और गैप अप ओपनिंग हमें 850 या फिर 890 के आसपास मिलती है तो ये रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती है या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है नेगेटिव साइड का, तो यहाँ पे हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड के चांस लिमिटेड रहेंगे एज कंपेयर टू डाउन साइड। और अगर गैप डाउन के केस में यहाँ पे 444 से
370, 43370 एंड 43444 के लेवल के आसपास कहीं पे ओपनिंग मिलती है और कोई भी यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म होती है या पैटर्न स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बाइंग प्लान कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि किस लेवल पे हमें सेलिंग प्लान करनी है, किस लेवल पे बाइंग प्लान करनी है और इन बिटवीन कहीं ओपन होता है तो हमें किस तरीके से मार्केट को यहाँ पे ट्रेड करना है। बाकी मैं रिपीट करता हूँ, मार्केट काफी छोटी रेंज में यहाँ पे फंसी हुई है तो कॉशियस होकर छोटी क्वांटिटी से छोटे मूव के लिए ही हम यहाँ पे प्ले करेंगे। कोई बड़े मोमेंटम के पीछे यहाँ पे भागने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसमें आप पैसा अपना यहाँ पे गवा देंगे और कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।